कि नजर नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। नमस्कार, आज की खास बात वीर सिंह के साथ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 करोड़ रुपए में 210 मीटर का सीमेंट रोड का कार्य यहाँ पे शुरू है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि 3 अलग अलग टेंडर हुए 1-1 करोड़ के, और तीनों टेंडर एक ही व्यक्ति को गया, जिसके लिए RTI हमने डाला है। RTI की रिपोर्ट आते ही हम आपको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस रोड को जब उसमें से खोदा गया, गड्ढा किया गया, तो लगभग 1 मीटर नीचे इसका गड्ढा किया गया, और 1 मीटर अगर नीचे किसी रोड को अगर हम खोदते हैं तो उसमें से एक बड़ी मात्रा में मिट्टी निकलती है, और रोड लगभग 350 से 400 मीटर का रोड हो, और यहाँ से निकलने वाली मिट्टी आखिर गई कहाँ, एक बड़ा सवाल है। जिला परिषद एजेंसी के थ्रू यह काम भी यहाँ चल रहा है। JEE से हमने बात की है, JEE को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। डिप्टी इंजीनियर है मेंढे जी, उनसे बातचीत किया, उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के तहसीलदार सांगड़े जी हैं, प्रशांत सांगड़े जी, उनसे हमने बातचीत की, उनके पास भी इस संबंधित कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई रॉयल्टी उन्होंने दिया है। सवाल ये है कि यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई, आखिर वो मिट्टी गई कहाँ? क्या वो मिट्टी किसी के लेआउट में गई, या फिर किसी के घर बनाते हुए जो भरन का काम जरूरत होती है मिट्टी वहाँ गई? लेकिन मिट्टी गई कहाँ? क्योंकि इसी रोड के ठीक 200 मीटर के अंदर 100 मीटर के अंदर एक समाज भवन है, जिस समाज भवन को आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ पानी है, और यहाँ का जो हैंडपाइप है वो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद ये आंगनवाड़ी का कंस्ट्रक्शन है, ये भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। सवाल ये है कि यहाँ से जो मिट्टी गमन हुआ है, गायब हुआ है, क्या वो इस क्षेत्र में, इस समाज भवन के चारों तरफ उसको डाल करके उसे भरा नहीं जा सकता था? क्या इस आंगनवाड़ी के चारों तरफ उसे डालकर भरा नहीं जा सकता था? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो सवाल ये है कि आखिर यहाँ से इतने बड़ी मात्रा में सैकड़ों ट्रक मिट्टी के चोर कौन हैं, दलाल कौन हैं? दूसरी बात, 10 सितंबर को जो समाज भवन की हम बात कर रहे हैं, जो रोड से एकदम लग के है, जिस रोड का काम हो रहा है, उस समाज भवन की दुरुस्ती के लिए यहाँ के जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि बर्वे जी ने भूमि पूजन किया। सवाल यह है कि आखिर भूमि पूजन आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो मिट्टी गई है उस मिट्टी को आप ही के जिला परिषद एजेंसी के तहत यहाँ रोड के काम हो रहे हैं, उस मिट्टी को वहाँ क्यों नहीं डाला गया? क्षेत्र में चर्चा इस बात की भी शुरू है। कोई बाइक निकाल ही नहीं पाता है, लेडीज लोग को ले जाना है तो उनको पैदल पहले भेजो रोड तक, उसके बाद फिर अपने हिसाब से बाइक लेके जाओ, पैर गंदा हो तो फिर घर पे आके पैर धो फिर जाओ। उधर अंधेरा भी है कीचड़ के कारण, कई बार तो हम लोग गिर गए बाइक से। इसको बनाने वगैरह के लिए किसी को है? बनाने के लिए कई बार बोले, जो मतलब बर्वे जी के यहाँ भी गए थे। हाँ। तो उन्होंने बताया था कि बोले जो मतलब 20 जून तक जो है जी बना देंगे, लेकिन वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तो अभी तक बना नहीं पाए। अभी तो 20। रोड की क्या समस्या है अंकल जी? रोड की समस्या आप देख ही रहे हैं, आज 7-8 साल हो गया लोग ऐसे कीचड़ पानी में घूम रहे हैं। अच्छा, आप लोग टैक्स वगैरह देते हैं? टैक्स वगैरह लगा है ग्राम पंचायत, चुकता हो रहा है। बाजू में रोड बन रहा है, वो सीमेंट रोड बड़ा वाला, वहाँ से उसको गड्ढा करने में काफी मिट्टी वगैरह निकली, ऐसा लोग बताते हैं आसपास। तो उस मिट्टी का कोई ऐसी जगह पे यूज किया गया है क्या आप लोगों को? हम लोगों की तरफ में तो नहीं किया गया है। नहीं किया गया? वहाँ से मुरुम निकला है, अगर मुरुम वगैरह यहाँ डाल देते तो आप लोगों को फिलहाल तत्काल के लिए तो हो जाता है, लेकिन डाला ही नहीं ना। हम इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर इस क्षेत्र में सैकड़ों ट्रक मिट्टी के चोर आखिर है कौन? न JEE को मालूम है, न डिप्टी को मालूम है, और ना ही यहाँ के तहसीलदार साहब को मालूम है कि आखिर सैकड़ों ट्रक मिट्टी गई कहाँ। ये सब को देखते हुए दो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आप देखते रहे NBCN न्यूज़, वीर सिंह के साथ।